तेल गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे जीरा, और अब हम इसमें डालेंगे ऑनियन और कटी हुई मिर्ची, जब प्याज का रंग हल्का ब्राउन हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे चिकन। यह है 1 kg 700 g चिकन। अच्छी तरह से हम इसको हिला लेंगे। अच्छी तरह से पका लिया है। अब इसमें हम डालेंगे गार्लिक जिंजर पेस्ट। अच्छी तरह से हिला लेंगे हम इसे। अब डालेंगे टर्मरिक पाउडर, चिल्ली पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, और सॉल्ट। फिर अच्छी तरह से हिला लेंगे, मसाले एकदम मिक्स कर लेंगे हम इसमें, और पकने के लिए छोड़ने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी भी मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह से हिला लेंगे फिर से। देखिए देसी स्टाइल चिकन, मज़ा आ जाएगा तुम्हें। बहुत ही अच्छी तरह से हिलाना होगा। चिकन पक गया है, इसमें डालेंगे टमाटो प्यूरी। अच्छी तरह से हिलाने के बाद इसमें हम ढक देंगे और चिकन मसाला भी साथ में ही डाल देंगे। अब हिलाने के बाद इसको हम थोड़ी देर के लिए 10 या 15 मिनट के लिए ढक देंगे। देखिए हमारा चिकन अब रेडी हो गया है। वाओ कितना टेस्टी है।